अहमदाबाद से केशोद तक की सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संकल्प से इस पहल की शुरुआत हुई है। इस नई हवाई सेवा से सोमनाथ धाम तक की यात्रा अब और आसान हो गई है। यह सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा मंदिर तक मुफ्त एसी बस सेवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इस योजना ने सोमनाथ धाम तक पहुंचना आसान बना दिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के उस विचार की ओर एक कदम है जिसमें भारत के तीर्थ स्थलों को विश्व पर्यटन में एक खास पहचान दिलाने का संकल्प है। सोमनाथ ट्रस्ट नए अहमदाबाद केशोद और मौजूदा मुंबई केशोद फ्लाइट्स के यात्रियों के लिए मुफ्त पिकअप सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह वृद्धि सोमनाथ धाम की यात्रा को अधिक सुविधाजनक और सुखद बनाती है। साथ ही यह पहल सोमनाथ आने वाले भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गुजरात सरकार और सोमनाथ ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। सबसे बढ़िया प्रयास जो आज शुरू हुआ है वो मैं बोल सकता हूँ कि अहमदाबाद से सोमनाथ आने के लिए जो 8 घंटे का सफर था वो 2 घंटे में हम लोगों ने तय किया है। और यहाँ से सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा केशोद एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए जो एयर कंडीशन गाड़ी की बस की सुविधा की गई है वो एकदम बढ़िया है, जहाँ हमारे बड़ी लोग, बुजुर्ग लोग और बच्चे लोगों को बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे मिल रही है। हम अहमदाबाद से मैं आई हूँ। आज स्पेशली मैं दिवाली के त्यौहार पर ये अहमदाबाद टू सोमनाथ की पहली फर्स्ट फ्लाइट चालू हो रही है, उसका हमने लाभ लिया। और विशेष बात तो ये है कि सोमनाथ ट्रस्ट थ्रू हमको वो एसी बस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है। और ये सभी यात्रियों को भी निवेदन है कि अहमदाबाद टू सोमनाथ दर्शन के लिए जल्दी से जल्दी 2 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के सहकार से इस फ्लाइट में आने वाले यात्रियों को केशोद से पिकअप करके सोमनाथ लाने की सुविधा ट्रस्ट के द्वारा एक एयर कंडीशन बस की सुविधा उपलब्ध की गई है। तो ये अहमदाबाद की फ़्लाइट और मुंबई की जो फ़्लाइट आती है केशोद, वो मुंबई की फ़्लाइट में भी जो यात्री लोग आएंगे उनको पिकअप निशुल्क व्यवस्था सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से की गई है। ट्रस्ट की ओर से दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए अनेक सुविधाएँ की गई है और एक नई सुविधा शुरू होने से यात्रियों की ये सुविधा बढ़ी है।